जय हिंद दोस्तों, स्नेक हेड फिशिंग असम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, धूप खिली हुई है और मैं फिर पहुंच गया हूं एक नई लोकेशन में। तो उसका साथ साथ और एक बात है कि मेरा पिछला वीडियो में आपने देखा था मेरा रॉड टूट गया था, तो मैंने और एक रॉड मंगाया है हंटिंग ब्लैक 7 फीट का। तो आप लोग मैक्सिमम एंगलर्स को मालूम होता ही है कि हंटिंग ब्लैक कैसा रॉड है, बहुत अच्छी रॉड है। और दूसरी बात ये, इसमें टिप जो बोलता है टिप, दो टिप रहता है, एक मीडियम हैवी और एक हैवी। तो ये दो टिप रहता है, मीडियम हैवी और हैवी, इसमें आपको लिखा रहता है। जैसे कि आप छोटा लूर से खेलेंगे तो मीडियम हैवी से खेल सकते हो। देखिए इसमें एक में मीडियम हैवी और एक में हैवी लिखा रहता है। तो आप जब छोटा लूर से खेलेंगे तो आप मीडियम हैवी से खेलेंगे, और जो बड़ा लूर है और बड़ा स्नेक हेड पकड़ना है तो हैवी फ्रॉक से खेल सकते हो। और इसमें लैंडिंग के लिए हैवी वाला अच्छा है, बड़ा स्नेक हेड लगने से आप उसको लैंडिंग बढ़िया से कर सकते हो। और ये रॉड है, बहुत बढ़िया स्मूथ रॉड है, बहुत सुंदर है। पता नहीं, आज ट्राई करूँगा, आज खेल के देखूँगा कैसा लगता है। पहले मैंने इससे खेला नहीं है तो मेरा पुराना टूट गया बोल के अभी नया मंगाया हूँ। और दूसरा बात और दोस्तों, आज मैं और एक नया फ्रॉग मंगाया हूँ, ये है लुकाना का मिनी दुश्मन। इसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त इससे पकड़ता रहता है। तो ये है लुकाना का मिनी दुश्मन 14 ग्राम। तो आज इससे भी ट्राई करूँगा, जेआर से भी ट्राई करूँगा, देखता हूँ कौन सा में ज़्यादा अटैक होता है और आप लोगों को दिखाऊंगा जो कौन सा में ज़्यादा अटैक होता है, कौन सा से मैं ज़्यादा मरल पकड़ा हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं जो नया रॉड है उसमें ये रील फिट कर लिया हूँ। मेरा रील है, देख पा रहे हो, शिमानो SLX, और अभी फिट हो गया है हंटिंग ब्लैक में ये रील्स माउंट हो गया है। और उसके साथ में मेरा जो लाइन है वो शॉर्ट फिश का है, बहुत बढ़िया लाइन है। और अभी फ़िलहाल मैं JR से ही खेलूँगा, लुकाना JR। तो उसके बाद फिर अलग अलग फ्रॉक लगा के ट्राई करूँगा कौन सा में ज़्यादा अटैक होता है। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त को मछली लग गया है, तो मैं जा रहा हूँ अभी उनका हेल्प करने के लिए। तो मैं भाग रहा हूँ, थोड़ा दूर में था तो मेरे दोस्त उधर है, देख सकते हो। वेट वेट वेट, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी, कौन सा मछली है तो मैं अभी कैमरा को यहाँ लगा दूँगा और मैं चलता हूँ सर का मछली लेने के लिए। तो देख सकते हो राजा सर बहुत खुश है, सुबह सुबह का बहुनी हो गया अभी। तो मैं देख सकता हूँ मछली, ये है कबरा, बैक कबरा। रुको, लूज करो। अरे कहाँ जा रहे हो? आज सर को कपड़ा मिला है करीब, ये देख सकते हो। अरे कैसे जाएगा? तो सर बोल रहे हैं लॉक लगाओ, तो सही बोला सर ने, पहले सेफ्टी। तो ये है कपड़ा, आप देख सकते हो करीब 1 kg से ऊपर ही होगा। तो इसको रख देता हूँ अभी मैं, रस्सी पकड़ूँ आएगा, खींचो। तो सर रस्सी खींच रहे अभी, मैं नहीं चप्पू नहीं चलाऊंगा। और बोलो। तो दोस्तों देख पा रहे हो, ये अभी एक कपड़ा पकड़ा हूँ, बड़ा कपड़ा पकड़ा हूँ और मजा आ गया पकड़ के।
ये लगा है करीब 1 किलो होगा ना। 1 किलो से ज्यादा तो साइज देख सकते हैं आप सर का हाथ करीब 1 फीट से ज्यादा है। आपका नापना है ना हाथ नापना हाथ से नहीं लंबा करो आपका हाथ तो देख सकते हो कितना लंबा पहुंच रहा है। गुड कीप इट अप सर। थैंक यू। चलो इंजोरिंग रख दो आप। माल बहुत महंगा वाला माल है अलग बात है। बोनी है बोनी को संभाल कर रखना है। बोनी को संभाल कर रखना है। तो मेरा हंटिंग ब्लैक का आज बोनी हो गया। तो नया नया हंटिंग ब्लैक से आज शिकार किया था तो उसका बोनी हो गया। ये है रखा हुआ है। ठीक है ये अपना हंटिंग ब्लैक नया हंटिंग ब्लैक से शिकार किया था बोनी हो गया। और फ्रॉक था जेआर खराब हो गया। ऊपरी है तो ऊपरी है तो माल ऊपरी है एकदम काला है मुझे लग रहा कबरा है। झाड़ी में घुस गया पूरा। कबरा तो देख सकते हो कबरा कबरा ही कबरा हो रहा है आपका। क्या है सर कबरा क्यों हो रहा है बार बार रोल करते रहो। अब मेरा भूनी पता नहीं नज़र लग गया मेरा। अरे ऑफ था तो दोस्तों देख पा रहे हो और एक शिकार हो गया है। ये कौन सा मछली है ये अलग टाइप का मछली है। कबरा भी नहीं है होल भी नहीं है और ये कौन सा है मालूम नहीं चल रहा है। आप लोगों को मालूम चले कौन सा मछली है तो कमेंट में थोड़ा बताइएगा। इसमें कोई स्पॉट भी नहीं है और हम लोग का जो असम में कबरा मिलता है वो भी नहीं है कबरा टाइप का भी नहीं है। तो कमेंट में बताइएगा कौन सा मछली है ये। थैंक यू दोस्तों। बूम बेबी। तो दोस्तों एक कैच हुआ है। तो ये लुकाना का दुश्मन फ्रॉग है। तो ये खाल मछली मिला है दो बार अटैक दिया रे। तो दोस्तों आज का बुहनी हो गया है तो बढ़िया अटैक दिया। तो जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग क्लोज करने जा रहा है। अभी आज ज़्यादा टाइम तक हम लोग फिशिंग नहीं किया क्योंकि घर में कुछ काम है तो इसीलिए हम लोग कम 2:30-3 बजे तक फिशिंग किया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।